हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेडियस को। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स को नहीं जानते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सैमसंग के एक कमाल के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, उस फीचर्स का नाम है सैमसंग का सिक्योर फोल्डर। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग सिक्योर फोल्डर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सिक्योर फोल्डर होता क्या है और ये हम लोगों को सैमसंग की तरफ से क्यों मिला है। तो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योर फोल्डर है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सैमसंग ने बनाया है। सबसे पहले इसको हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने फोन में। तो गाइस, इसको एक्टिवेट करने के हम लोगों के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप लोगों को अपने सैमसंग के सेटिंग में जाना है, यानी कि डिवाइस सेटिंग में जाकर उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो स्क्रॉल करके आप लोग देखेंगे सिक्योर फोल्डर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और गाइस, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, उस पर सर्च करेंगे सिक्योर फोल्डर। अब गाइस, वहां पर आप लोगों को दिखेगा सिक्योर फोल्डर। अगर उसमें कोई अपडेट होगा तो अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को इसको लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन जीमेल अकाउंट से नहीं होता, ये होता है सैमसंग अकाउंट से। यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग अकाउंट से लॉगिन हो जाना। अब गाइस, मैं आप लोगों को सैमसंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज से 4-5 साल पहले क्या होता था कि सैमसंग अकाउंट जो है इतना सिक्योर नहीं हुआ करता था, लेकिन सैमसंग ने इधर 1-1.5 साल से सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है, जिससे कि आप लोग अगर अपने सैमसंग अकाउंट को बनाते हैं और उसके आईडी पासवर्ड को अगर भूल जाते हैं, अगर नहीं पता है पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग एक काम करना है कि अकाउंट बनाने के बाद अपने पासवर्ड को लिख लेना कहीं डायरी में, क्योंकि आप लोग जब भी अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो ये पासवर्ड ज़रूरी होता है सैमसंग के फ़ोन को रीसेट करने के लिए। तो गाइज, ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब बढ़ते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो आप लोग अपने सैमसंग अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट का टाइम लेगा ये प्रोसेस करने में। जब प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोगों के सामने एक इसको अनलॉक करने के लिए ऑप्शन खुलेगा, मतलब कि आप लोग इसको लॉक और अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक हो गया फिजिकल लॉक और दूसरा बायोमेट्रिक्स। अब फिजिकल लॉक में आप लोगों को पैटर्न, पिन या फिर पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं, और दूसरा होता है बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, एक हो गया बायोमेट्रिक्स के नाम पे फिंगरप्रिंट, दूसरा हमारा फेस स्कैन, और तीसरा हो गया कि आयरिस स्कैनर। अब आयरिस स्कैनर वाले फ़ोन सभी नहीं है सैमसंग में, सैमसंग में सिर्फ 4 और 5 है। अब कैसे है गाइस, S8 Note 8 और S9 Plus Note 9, ये सारे फ़ोन जो है, ये 4 फ़ोन जिसमें सैमसंग ने यूज़ किया था बायोमेट्रिक्स यानी कि आयरिस स्कैनर को। तो इन चारों में से कोई एक फ़ोन है आप लोगों के पास, तो लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग अपने आयरिस स्कैनर से आंखों की मदद से भी खोल सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक्स में, और जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, फेस अनलॉक हो गया, तो आप लोग इससे भी आप लोग अपने सिक्योर फोल्डर को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने फिंगरप्रिंट का ज़्यादा यूज़ करें। तो ये हो गया अनलॉकिंग फीचर्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि आप अपने फ़ोन को कब तक अनलॉक रखना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में क्या होता है कि आप लोग अपने फ़ोन को, मतलब आप लोग अपने सिक्योर फोल्डर को कब तक अनलॉक रखना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आपने फ़ोन को रिबूट करेंगे जब तक आपने फ़ोन को रिबूट नहीं कर देते तब तक आपका सिक्योर फोल्डर ऑन रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस कि जैसे ही आप अपने सिक्योर फोल्डर से एग्जिट होते हैं तो आपका सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है कि टाइमर वाला। अब उसमें आप लोग 10 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप लोग टाइमर लगा सकते हैं। मतलब कहने का कि आप अपने सिक्योर फोल्डर से जैसे एग्जिट होंगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने मान लीजिए कि 5 मिनट का टाइमर लगाया तो 5 मिनट के बाद जो है आपका सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और गाइस, इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं सिक्योर फोल्डर नाम के एप्लीकेशन को। अब हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल में जाना है और उसमें आप लोगों को देखना है कि सिक्योर फोल्डर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो उससे आप लोग हाइड भी कर सकते हैं। जब आप लोग इसको रजिस्टर और लॉगिन कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोगों का सिक्योर फोल्डर जो है एनेबल हो जाएगा। अब आप लोगों ने लॉक लगा दिया है, आप लोगों ने टाइमर सेट कर दिया कि कब मेरा सिक्योर फोल्डर अनलॉक रहेगा, कब लॉक रहेगा, अब इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए। तो गाइस, ये लगभग सारे लोगों के लिए सैमसंग ने बनाया है जो कि सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं। ये अदर फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि
आप लोगों को अगर नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी नहीं है, सैमसंग इसको हार्डवेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सैमसंग एक नॉक्स चिप बनाता है, मतलब कि नॉक्स चिप अपने फ़ोन में देता है। अब ये चिप क्या करता है कि हमारा जो डेटा है वो होम स्क्रीन से लॉक स्क्रीन, मतलब कि सिक्योर होम स्क्रीन से सिक्योर फोल्डर से दोनों को आइसोलेट करके रखता है। मतलब कि जो मेरा डेटा होम स्क्रीन पर है वो उससे उसका जो सिक्योर फोल्डर उससे उसका सिक्योर फोल्डर वाले डेटा से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि हमने जो भी डेटा सिक्योर फोल्डर में रखा वो सिक्योर फोल्डर में ही रहेगा, उसको कोई होम स्क्रीन वाला जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोगों ने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर लिया एपीके, उसको इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें सिक्योरिटी का जो पर्पस होता है, सिक्योरिटी इशू होता है कि आप लोगों ने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया तो कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है कि आप लोगों के फ़ोन को इंटरनली क्या करता है कि उसका जो मेमोरी पे नज़र रखे रहता है कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा डेटा है बिना आपके परमिशन के, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिक्योर फोल्डर में आपने अगर अपने प्राइवेट डेटा को रखा है तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि क्या मैं एम सीरीज़ या फिर एफ सीरीज़ में भी यूज़ कर सकता हूँ इसे, तो मैं मेरा मेरा आंसर है नहीं। ये सिक्योर फोल्डर जो है अपने ऑफलाइन सीरीज़ के लिए सैमसंग रिजर्व करके रखता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस आप लोगों का जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट डेटा है जो कि आप लोग पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराना चाहते हैं। पब्लिकली कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग आप लोग अपने फ़ोन को किसी के भी हाथ में दे देते हैं, जैसे कि किसी अनजान पर्सन के हाथ में हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग मेरा जो पर्सनल डेटा है वो उसको देखें। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग सिक्योर फोल्डर का यूज़ करते हैं अगर मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो। अब गाइस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा तो अदर कंपनीज भी करती हैं, अपने फ़ोन में ऐप लॉक नाम के फीचर्स को दे देती हैं जिससे हम लोग एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये ऐप लॉक वाले फीचर से बिल्कुल ही अलग है। ऐप लॉक जो होता है वो सॉफ्टवेयर से होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से लॉक होता है। लेकिन अगर हम लोग सैमसंग के फ़ोन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सैमसंग अपने फ़ोन में एक अलग से चिप लगाता है जिससे दोनों जो होम स्क्रीन और सिक्योर फोल्डर का जो डेटा है दोनों आइसोलेटेड रहता है। यानी कि होम स्क्रीन वाला जो एप्लीकेशन है सिक्योर फोल्डर वाले एप्लीकेशन के अंदर कोई सा भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसको मैनेज करता है जो फोन में चिप लगा होता है वो मैनेज करता है। तो ये फीचर सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो गाइस मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सैमसंग का जो सिक्योर फोल्डर कैसे काम करता है, इसको हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।